तो ये व्हाट्स अपनिंग गाइस, माय नेम इज मलिक। और गाइस आज आपने जैसा कि टाइटल पर देख लिया होगा, आज हम जाने वाले हैं, आज मरीज से जाने वाले हैं। मेरे को काम करना पड़ेगा सारा, खुद काम कर रही है। आज मैं जाने वाला हूँ वुडलैंड मैंशन को भी बोला था कि आ जाए। तो गाइस वुडलैंड मैंशन जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ दीदी और मेरा सेटअप। अभी अभी बनाया है क्या तूने? बना चुका हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं नीचे गटर पे नहीं बनाने वाली सेटअप। विलेजर्स होते हैं वहाँ पर, फिर भी मैं नहीं बनाऊंगी, मेरे को वो बनाई गई। और तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एंट्री होते सारे ये तलवारें ही तलवारें हैं। और यहाँ पर एक सोफा है और एक टेबल है, यहाँ पर भी सोफा टेबल बैठने के लिए। तो पहले ना मैं ना बहुत थक गया हूँ, मैं ना बैठ जाता हूँ। अब नहीं बैठना मेरे को, अब मैं नहीं थक रहा, बैठते सारे मेरी थकान चली गई। तो गाइस एंड वन एंड टू एंड थ्री, क्या है मेरा दीदी पियानो भी है यहाँ, ये देख गाइस मैं आपको पियानो बजा कर दिखाऊंगा। मैं तो प्रिज्मरी मैं अपना बनाना शुरू कर दिया सेटअप। ये मुझे चाहिए प्रिज्मरीन ब्लॉक्स, मेरे को नहीं आता पियानो। हाँ तो गाइस ये रहा मेरा सेटअप, और पीछे की दीवार टूट गई, ये कैमरा हर जगह जान पीच कर रहा है। और यहाँ पर बहुत पंखे लगे हैं क्योंकि आजकल ना बहुत गर्मी हो रही है। तो ये है दीदी का यहाँ पर कंप्यूटर, मेरा है कंप्यूटर, लेटर, लैपटॉप और सीपीयू। मेरा तो पूरा फर्नीचर मिला ही नहीं। और ये है दीदी का सेटअप, मैं बैठ जाता हूँ, रहने दो। उन्हें दिया तो पूरा फर्नीचर है ही नहीं। तो गाइस ये वॉकिंग आर्मर स्टैंड मोड है। और ये आई गाइस मैं आ गया हूँ। तो हमें वुडलैंड मैंशन जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक अरे उसको क्या कहते हैं जो बेचता है मैप्स, मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया उसका नाम, बहुत दिनों बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले हमें उसको उस विलेजर को जो कि वह ऊपर है, हम इसलिए ऊपर है क्योंकि क्योंकि दीदी ने रखा है उसको, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। कि लोग ये ऊपर कैसे पहुंच रहे विलेजर के पास, वैसे मैप भेजता है नहीं ये वाला, इसने रेट कम कर दिया। हाँ इसको कार्टोग्राफर बोलती है, ये ओशन एक्सप्लोरर मैप है। तो उसको हमें लेवल 3 पर पहुंचाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसके साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। तो पेपर्स तो मेरे पास बहुत है, पेपर से मैं इसके साथ ट्रेडिंग कर लूंगा। तो जल्दी चलते हैं घर पर और पेपर लाते हैं। तो गाइस मैं घर पर तो एकदम से आ चुका हूँ एलाइट्रा से फटाफट उड़ के, क्योंकि आप तो जानते ही हो एलाइट्रा बहुत फास्ट होता है। तो बालकनी में आए हैं, तो बालकनी से ही अंदर चलते हैं, ज़रूरी है क्या गेट से ही अंदर जाना है? मेरा घर है, मैं रूल बनाता हूँ। वैसे लॉगी का घर भी है, इनको ना मेरे को फेंकना है। ओ याद आया गाइस, मैंने ना यहाँ पर एक माइक्रोवेव भी रखा है, और ना
हमें क्या लेने था, पेपर, चैक पेपर इस शेल्कर बॉक्स में पड़ा होगा। आई थिंक दो स्टैक ले लेने चाहिए और चलते हैं फटाफट से उस विलेजर के पास। तो गाइस मैं एक कुछ भी करके स्टोन फार्म को वर्किंग स्टोन फार्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये स्टोन फार्म बनता ही नहीं है। ओ मैं नीचे गिर गया। इतनी दूर से ट्रेडिंग हो सकती है यार, मेरे को लग रहा था हो जाएगी। तो जल्दी से ट्रेडिंग करते हैं, इससे पेपर लेते हैं। मेरे ख्याल से तो दो स्टैक इनफ है यार। शेल्कर बॉक्स उठा कर ले आता हूँ। तो गाइस एकदम से शेल्कर बॉक्स तो मैं उठा कर आ चुका हूँ वापस। हमें बस प्यारी सी लाइटनिंग मारनी है, वैसे प्यारी सी ही लगेगी, आखिर मेरा फेवरेट पोशन स्लो फॉलिंग जो है। मेरे को ना लग रहा था ना मैं ना थोड़ा लैंड गलत कर दूंगा। अरे हाँ, शेल्कर बॉक्स तो खोला ही नहीं मैंने। दो स्टैक और लेते हैं, बस इसका लेवल हमें 4 करना है, मतलब 3। ट्रेडिंग मत बंद कर दे हो यार, पेपर के बजाय और कुछ नहीं है अब मेरे पास। जल्दी जल्दी ट्रेडिंग कर यार बस तू। नहीं यार, जिसका डर था वही कर दिया। पहुँचने ही वाला था। अब मेरे को 8 प्लेन पेन ग्लास से कर लेते हैं इसके साथ ट्रेडिंग। शेल्कर बॉक्स फटाफट से उठाते हैं। अरे भाई 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 भाई, गाइस तो हम एकदम से चलते हैं। इसकी ना मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मैं आपके सामने इससे उड़ जाता हूँ। मैंने सीख लिया यार। अब पेन ग्लास के लिए सैंड लगेगी। आई थिंक मेरे चेस्ट पे ना मैंने 34 पेन ग्लास रखा होगा। तो गाइस एकदम से मैंने सारे चेस्ट चेक कर लिए और मेरे को उन पे एक भी पेन ग्लास नहीं मिला। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर देखते, अच्छा यहाँ पर तो चेस्ट ही नहीं है, ये तो लाइब्रेरी है, यहाँ पर तो खाने का सामान होगा। इधर देखते हैं, पेन ग्लास। बाकी के चेस्ट हमने खाली रखे हैं एक्स्ट्रा यूजेस के लिए। पेन ग्लास भाई, पेन ग्लास दे दो दीदी ने कहीं भी ठूस रखा है। पेन ग्लास गजो क्रिएटिव से मैं 10 ले लेता हूँ यार। नहीं है यार, अब बस नीचे वाला रूम ही बचा है, आखिरी येलो भाई खाली। अच्छा रुको रुको, दीदी का रूम भी तो बचा है। पेन ग्लास बहुत माल रखा हुआ है, बहुत माल रखा हुआ है। पेन ग्लास। रुको, मैंने उस चेस्ट पे पेन ग्लास देखा। ओह माय गॉड, 32 पेन ग्लास। थैंक यू दीदी। स्टैक तो नहीं है लेकिन उससे आधा है।
गाइस चलते हैं और प्यारी सी लैंडिंग पक्का नहीं मर पाए लग पाएगी बिकॉज मैंने यहाँ पर ब्लॉक की तोड़ के रखा हो है फिर भी प्यारी सी लैंडिंग तेरा लेवल नहीं बढ़ाना स्मिथ अरे कार्टोग्राफर सोना पड़ेगा क्या यार अब सोना भी पड़ेगा इसको उठाने के लिए ओ गाइस अभी तक चेस्ट यहीं पर है ओ हेलो मैडम ये पता नहीं कौन कौन से प्लेयर्स आए जा रहे हैं हमारे गांव पे लेकिन अच्छा है लोग तो आ रहे हैं ना तो मैं सोच रहा हूँ वैसे मैं सोच रहा हूँ ये कुछ हरकत कर सकते हैं तो मैं सोच रहा हूँ चीफ के घर पर भी ना मैं कैमरेज लगा दूँ गाइस आप कमेंट पर बताओ कि मेरे को चीफ के घर पे कैमरेज लगाने चाहिए या नहीं तो यार मैंने तो 11 मिनट इसी पे वेस्ट कर दिए स्मृति जो भी है तू थ्री लेवल ओ और एक भी ग्लास नहीं बचा ये कौन से मैप है वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप दो ML तो है और चेस्ट पे आई थिंक कंपास भी पड़ा होगा कंपास मैं देखता हूँ गाइस नहीं तो बना लेंगे वैसे छोड़ो बना ही लेते हैं देखने में टाइम बर्बाद होगा यार मैंने रॉकेट वेस्ट कर ही जा रहा हूँ क्योंकि ना मेरे से ये चल ही नहीं रहा जे लाइट्रा और गाइस सॉरी फॉर इतनी सारी रॉब्लॉक्स वीडियोस और माइनक्राफ्ट इतनी देर बाद वो क्या है ना रॉब्लॉक्स भी खेलने का बहुत मन कर रहा है आजकल तो ऊपर से जल्दी से अपने चेस्ट से आया एकदम से ना मैं ना छे नहीं यार हाँ अरे यार चार चाहिए थे लो अब 8 मिल गए एक हो गए 4 आयरन रेडस्टोन दीदी के पास पड़ा है जो कि मुझे गलती से 5 मिल गया है तो एकदम से मेरे पास सारी रेसिपी की चीज़ें आ गई पूरी रेसिपी की चीज़ें आ गई और ये क्राफ्टिंग टेबल खुलता ही नहीं गलत रख दिया हाँ और एक बन गया हमारा कंपास एक तो यार इस पर बहुत टाइम लग रहा है लगता है आज की वीडियो में नहीं हो पाएगा तो मेरी लैंडिंग भी ना सही नहीं होती कभी क्या चाहिए था ये चाहिए था ना तेरे को सामान ले ले वो गाइस आप एक चीज मैं भूल गया शील्ड पहले ऐसे मैप पकड़ लेते हैं वो चीज़ है कि मैंने ना पीसफुल कर रखा है
लेकिन उससे पहले ये बारिश को क्लियर और टाइम से डे कर देते हैं। अरे डे हो जा, अरे क्लियर हो जा। जिसको हम पीसफुल से हटाते हैं जल्दी से, इजी कर देती है क्योंकि मैंने चाहता वुडलैंड पर बहुत खतरनाक मौत हो। तो मेरे को जाना है कुछ इस साइड, आई थिंक वुडलैंड मेंशन इतना मेरे को पता है कि वो ना जंगलों पर होता है ना। यार मेरे से लाइटर नहीं चढ़ रहा, उड़ रहा। चलो 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 चलो, मैं ज्यादा रॉकेट वेस्ट नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, घर आने के लिए भी रॉकेट चाहिए और मैं तो इतने लाया भी नहीं। गाइस अब तो चलते ही हैं क्योंकि मैं ना घर वापस जाने बिल्कुल भी नहीं चाहता। और मैं टेचनो गेमर्स की वीडियो देखी, उस पर वीडियो पर उसने बताया कि सीक्रेट्स होते हैं और उसको डायमंड ब्लॉक भी मिला, तो वहाँ पर भी सीक्रेट्स होंगे। यस, हो सकते हैं। बस मेरे को एक बार ही ना जंगल मिल जाए। एक तो पता नहीं है मैप सही है भी या नहीं। वैसे मेरे को मेरा मैप पर जो मेरा डॉट है वो बड़ा तो नहीं हो रहा, मतलब अभी मैं बहुत दूर हूँ। यार हर एक चीज़ इतनी दूर की होती है मेरे घर, हमारे घर से। मैं सोच रहा हूँ अपने हाथों पर मैप पकड़ लूँ। लग रहा है रॉकेट कम पड़ जाएंगे। यार लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ। शुगर की नहीं है क्या? पेपर भी नहीं है, रॉकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर से मेरी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देखो, कैसे आपको नहीं लगता ये ज्यादा ही दूर है वुडलैंड मैंशन? मेंशन इतना तो दूर नहीं होएगा। रुको रुको, आई थिंक बंदा चल पड़ा। नहीं चला यार, इसका नाम पक्का वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप है ना। वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप तो है। एक तो ये पानी ना, बंदा चल रहा है, चल रहा है, हिल रहा है बंदा, हिल पड़ा, हिल पड़ा। किस बंदा हिल रहा था? एक तो अगर मैं सुबह इतने रॉकेट वेस्ट नहीं करता। ओ माय गॉड, बंदा फिर से हिल पड़ा। और यहाँ पर एक बड़ा सा टावर भी है। मैं टाइगर बायोम पर कैसे पहुंच गया?
सीधे जाना है ना। ये रोड कैसे हो सकती है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। या फिर ये मैप, रुको रुको, ये विलेजर को कैसे पता लग गया ये मैं वुडलैंड मेंशन का मैप? मेरे को क्या पता, मैं इंटरफ वाले जाने मोजांग। यार अभी भी वो नहीं आया जंगल, ये अलग जंगल है। फाइव रॉकेट, तो गाइस अब एक ही रास्ता है, चैट से रॉकेट मांगो। गाइस सॉरी, गाइस सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गाइस मैंने गाइस एक स्टैग मांग लिया है, गाइस सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यार इमोट्स थे मेरे पास सॉरी के। तो गाइस लगता है वुडलैंड मेंशन ज़्यादा ही दूर है। तो गाइस एकदम से बारिश हो गई और मैंने वेदर क्लियर कर दिया ताकि कोई भी मॉब ना समान ना हुए। तो मेरे को लगता है कुछ मॉब्स तो समान हो ही गए होंगे। मेरे कोऑर्डिनेट्स देखो, गाइस बस मैं तो बस यही रुक रहा हूँ। तो गाइस मैं तो अब जा रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन पीस आउट।